देख सकते हो मेरे पीछे बॉर्डर yeah. राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस धनंजय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 6:10 और देखो मैंने कल बोला था इवनिंग में जो कि देखते हैं फॉग कितना होगा है ना। तो देख सकते हो दूर दूर तक फॉग है और आसमान में ऊपर बादल सफेद बादल। और वैसे भी देख सकते हो ना गाइस ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण जी देख सकते हो भाई साहब काफी अलग लग रहा है गाइस ये पेड़। तो चलो इस पेड़ के सामने इस नेचर के बीच में हम लोग तो पहुंच चुके हैं ना। तो पहुंचने के बाद पहले दिल से कह देते हैं सुबह सुबह धन्यवाद प्रकृति धन्यवाद। और गाइस देखो ये रहा मेरे इंडिया का मैप और उधर जो कि वो रहा मेरा दोस्त का पेड़ देख सकते हो मैं और आगे जाऊंगा। और अभी टाइम हो चुका है 6:12 देखा आप लोग भी नेचर में आकर आनंद उठाना चाहते हो इस नेचर का तो जल्दी से उठ जाओ यार जल्दी से उठ जाओ। और आप लोग जल्दी नहीं उठ पाते हो तो कोई बात नहीं नेचर में क्या क्या होता है नहीं देख पाते हो तो धनंजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप लोगों को नेचर के बीच में क्या क्या होता है सब कुछ दिखाऊंगा डेली 8 सुबह सुबह। तो जल्दी से जाके धनंजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार रखो जल्दी से रखो। और देखो गाइस दो दिन मतलब इतना ज्यादा फॉग दिया मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना मतलब इतना करीब नहीं दिख पाते हो इतना ज्यादा फॉग। और अब दो दिन से बादल भाई ये मतलब समझ सकते हो दो दिन से फॉग दो दिन से बादल फिर दो दिन में बारिश होगा ऐसा ही तो मुझे लगता है। तो आप लोग कमेंट में बताना क्या होगा बारिश होगा या नहीं है ना बताओ कमेंट करके। और देखो जो कि ये रहा मेरा दोस्त का पेड़ पता नहीं ये दोस्त क्यों नहीं आते हैं है ना तो बस आ जाए आज तो देखते हैं गाइस है ना। और देखो अभी तक आप लोग सोए हो यार मॉर्निंग में उठने के बाद बेस्ट फीलिंग चाहते हो या नहीं अगर चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ इस नेचर के बीच में वो भी नंगे पैर भाई खतरनाक लगेगा भाई ठंड भी करेगा और अब जब मॉर्निंग वॉक करोगे ना तो बेस्ट फीलिंग क्या होता है मिल जाएंगे। ये धरती माँ के ऊपर भाई काफी प्यारा लग रहा है नंगे पर घूमने से मॉर्निंग में भाई अलग ही लग रहा है अलग ही। और अभी समय हो चुके हैं 6:30 देख सकते हो गाइस अब ठंड क्या है इसको तो भाई आप लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा जब आप मॉर्निंग वॉक करोगे क्योंकि देखो मैंने स्वेटर उधर रख दिया भाई ठंड क्या होता है। तो उठो यार जल्दी से उठ जाओ मॉर्निंग का बेस्ट फीलिंग का आनंद उठाओ इस नेचर के बीच में उठ जाओ जल्दी से यार चलो। आप लोग अगर सोच रहे हो ये मैं क्या कर रही हूँ भाई मॉर्निंग में जो हवा बह रहा है ना भाई उसको जो फील करने में आनंद जो मजा भाई कहीं नहीं है यार। आप लोग भी ऐसा मॉर्निंग जो हवा बह रहा है उसका आनंद उठाओ यार। और गाइस देखो अभी टाइम हो चुका है 6:46 जो कि ये देखो हाँ और इधर मेरा दोस्त नहीं आए आज भी नहीं आए तो देखते हैं गाइस कब ये दोस्त आते हैं। मैं तो डेली आ जाता हूँ पर ये दोस्त नहीं आते हैं तो वो भी देखते हैं कब आते हैं है ना। और गाइस इधर देखो मतलब एक हफ्ता हो चुकी है सूर्य देवता को मॉर्निंग में नहीं देखना है ना भाई एक हफ्ता हो चुकी है बट मॉर्निंग में देखने को नहीं मिलता ये सूर्य देवता। तो कल तो नहीं मिला था उस पहले वाला दिन भी नहीं मिला था तो देखते हैं आज मिलता है या नहीं सूर्य देवता को है ना। तो बस गाइस चलो अब घर पे चलते हैं मिलते हैं सीधा घर पे लेट्स गो। A few moments later. तो गाइस देखो मैं हूँ घर घर आया और घर आकर देखो मस्त धूप दे रहा है और चूंकि अभी टाइम हो चुका है
10:23 और इधर देखो आज सूर्य देवता मस्ट रोशनी दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके, भाई उतना भी तेज नहीं। और टेम्परेचर आज मतलब 10:23 हो चुके और टेम्परेचर 20°C। देख सकते हो गाइस खतरनाक लेवल का धूप दे रहे हैं। और गाइस मैं नागे हो चुके रेडी है ना, जो कि ये मैंने स्वेटर धो दिया सुबह में कल। गाइस देख सकते हो पीछे मस्त धूप दे रहा है और इसको मैं डराऊंगा। तो डर गया। तो गाइस यार देखो अभी टाइम हो चुका है 3:53 और ये शैतान देखो कहाँ उठा। ओ ओ हाँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस। तो देख सकते हो गाइस मैं निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए और इधर देखो मस्त धूप का जो व्यू ये देख सकते हो भाई खतरनाक। और विंटर का सीजन है इसी वजह से सब पत्ते झड़ चुके हैं। ये देखो गाइस ये देख रहे चंदा मामा को। तो गाइस देखो अभी टाइम हो चुका 5:10 ओ भाई साहब। और गाइस सूर्य उधर डूब चुके हैं, देखो ये सूर्य डूबने के बाद जो व्यू काफी प्यारा व्यू ना, और आसमान साफ है तो इसी वजह से ये चंद्र देवता को देखने को मिल रहा है जो कि काफी प्यारा। ऑलराइट गाइस देखो हो चुकी है शाम और गाइस अभी टाइम हो चुके हैं 5:42। शाम के टाइम में सुना ना भाई ये फॉक्स का साउंड और जो कि ये देखो मस्ट ये चंद्र देवता और स्टार काफी प्यारा देखने को मिल रहा है ना भाई, मस्त लग रहा है गाइस देखने में। तो ये चीज तो मस्ट आसमान पूरा साफ और कल देखते हैं गाइस कल बादल होता है या फॉग होता है ना सुबह में। तो गाइस देख सकते हो मेरे पीछे बॉर्डर कितना रोशनी चमकता है ना, और इसके साथ ये जो देख सकते हो चंद्र देवता और ये जो स्टार ओ भाई काफी प्यारा लग रहा है देखने में, मस्त लग रहा है गाइस मस्त। दिन में सूर्य देवता देखने को मिला और ऐसा इवनिंग में मतलब आसमान तो साफ। तो भाई साहब देखते हैं कल बादल होते हैं या फॉग होते हैं ना, तो देखते हैं गाइस। तो चलो गाइस आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं पर करता हूँ खत्म। तो ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट करके, और अगर चैनल में नए हो तो धनंजय यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जगह सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसे वीडियो आप लोग डेली देखना चाहते हो मॉर्निंग में मॉर्निंग ब्लॉग नेचर ब्लॉग देखना चाहते हो तो जल्दी से जगह सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जगह है ना। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो बिंदास रहो मस्ती से रहो और साथ ही साथ मेरे साथ दिल से गाओ राधा राधा राधा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Bye-bye.